प्रधानाचार्य श्रीमती मल्लिका अरोड़ा ने मुख्य अतिथि संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी एवं डीसीपी पश्चिम विजय धुल और डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार को बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि, संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी, डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार और पश्चिम विजय धुल के साथ चेयरमैन संजीव दीक्षित एवं प्रधानाचार्य श्रीमती मल्लिका अरोड़ा के कर कमलों द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं स्कूल रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात महागौरी की आरती करके भक्ति की आभा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बॉलीवुड की मशहूर गायिका अलीशा अरोड़ा ने अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों की लय पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वही कार्यक्रम में दर्शकों ने डांडिया और गरबा का भी आनंद लिया। स्कूल में विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल लगाए गए थे। इस कार्यक्रम में स्कूल की कोऑर्डिनेटर श्रीमती सौमी मिश्रा एवं श्रीमती आरती चंदोक और शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। A big, big round of applause for a beautiful memento presented, sir and principal ma'am. Can we please give them a big round of applause? Ma'am, to please present it. Can we please have a big round of applause, dear audience? The loudness. आज जेएमडी में डांडिया रास का आयोजन किया गया, डांडिया प्रोग्राम जिसका कि नाम है गूंज 2023। इस मौके पे बच्चे नवरात्रि के इस मौके पे बच्चों ने डांडिया रास का आयोजन किया। उसके अलावा महिषासुर वध का बहुत ही अच्छा चित्रण किया बच्चों ने और नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया है महिषासुर वध। और उसके साथ ही साथ बच्चों का डांडिया रास, छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का डांडिया रास के साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे पुलिस के आला अफसर भी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो उनकी आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा और बढ़ी है। और साथ ही बच्चों ने भी बहुत से उत्साह के साथ प्रोग्राम को प्रेजेंट किया है। इसके अलावा कोई फेम इसी सबके साथ में, बच्चों के इस आयोजन के साथ में हमारे बीच में अलीशा अरोरा जी भी हैं जो कि एक बॉलीवुड सिंगर हैं। वो इसके बाद में गरबा पे और डांडिया रास पे थोड़ा सा पब्लिक को, ऑडियंस को और एंटरटेन करेंगे। नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम भी चल रहा, पुलिस के आला अधिकारी जो थे उन्होंने भी मंच से कहा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नारी शक्ति ही महत्व रखती है क्योंकि सारी उत्पत्ति ही नारी से है। हम सबको नारी का सम्मान करना चाहिए और उसकी शक्ति को किसी भी तौर पे हम क्यों कम क्यों माने,
तो नारी को आज की तारीख में हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस है और नारी को एक सा सम्मान मिल रहा है समाज में। इस सब के लिए हम अपने समाज से बहुत शुक्रगुजार हैं, बट ये चाहते हैं कि आगे भी आप नारी को सम्मान देते रहें और समाज में इक्वल की जगह दें और पोस्ट दें और वैकेंसीज जहाँ पे हों वहाँ उनको इक्वल मौका दिया जाए पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए आज JMD वर्ल्ड स्कूल के कल्चरल नाइट जहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा डांडिया का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें आकर बहुत खुशी हुई। और ये स्कूल अत्यंत सर्वाधुनिक जो है शिक्षण संसाधनों से लैस है। मैं आशा करता हूँ कि ये निकट भविष्य में अपने जो छाप जो है स्टूडेंट्स के नवरात्र का माह चल रहा है, नवरात्र का पर्व चल रहा है, इसके अलावा मिशन शक्ति भी आपका चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मिशन शक्ति शासन के एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके चतुर्थ चरण हम लोग के द्वारा चालू किया गया है। इसके माध्यम से हम लोग सभी महिलाओं को और बच्चियों को स्वावलंबन और सुरक्षा के जो है एक भावना जागृत करना चाहते हैं और इस और हम लोग के सभी लोग हम लोग प्रयासरत हैं। स्कूल और कॉलेजेस में अलग अलग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसकी सफलता निकट भविष्य में देखने को मिलेगी।